अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन पोहा। इसके लिए हमने 2 कप पोहा लिया है। ये इतना बड़ा कप है, इसमें डाल देंगे। 1 हरी मिर्ची ली है, 1/2 चम्मच सरसों लिया है हमने, करी पत्ता लिया है हमने 10 से 12। ये सूखा हुआ है, आप चाहें तो फ्रेश करी पत्ता ले सकते हैं। पोहा को हम पानी डालकर धो लेंगे। इसको भिगोना नहीं, इसको हमको धोना है। धुलकर इसका पानी हम हटा देंगे। 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे धुले हुए पोहे में। 1/2 चम्मच शक्कर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। हमने इसको मिक्स कर लिया, इसको 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। 5 मिनट हो गए पोहे के रखे हुए, इसको एक बार फिर चला देंगे। उसके बाद 5 मिनट के लिए रख देंगे इसको, ताकि सारा पानी ये सोख ले। गैस ऑन कर लिया, उस पर हमने पैन रखा हुआ। पैन में 1 चम्मच हमको तेल डालना है। आधा कप हमने मूंगफली के दाने लिए, मूंगफली के दाने को हम डाल देंगे। 1/2 कप मूंगफली लिया था, उसको हम भून लेंगे। ये मूंगफली का दाना हमारा बन के तल के रेडी हो गया, इसको निकाल लेंगे। दो चम्मच हमने तेल डाला हुआ है, उसको गर्म होने देंगे। तेल हमने सरसों का लिया है, आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा पोहा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, इसने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, बहुत अच्छे से फूल गया है। सरसों के दाने हमने डाल दिए इसमें, हरी मिर्च भी डाल देंगे और करी पत्ता भी, चला लेंगे। पोहे को भी डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, साइड में डालेंगे इस तरफ। आपको अगर तीखा पसंद है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर। चला लेंगे इसको। इसमें हमने नींबू लिया है 1/2 कटा हुआ, इसको हम निचोड़ देंगे। 1 चम्मच रस डालेंगे नींबू का, मिक्स कर देंगे। मूंगफली के दाने डाल देंगे थोड़े से इसमें, बाकी ऊपर से डालेंगे। चला लेंगे इसको हम। पोहा हमारा बनके रेडी हो गया, इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए हमारा पोहा झटपट बनके रेडी हो गया है। आप इसको नाश्ते में बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।